बिसरख कोतवाली क्षेत्र के गांव साहबेरी में जीवन ज्योति कॉलोनी के करीब कल की रात करीब 9:30 बजे एक ही परिसर में स्थित दो इमारतें धराशायी हो गई। 6 मंजिले दोनों इमारतों में रह रहे 12 परिवारों के सदस्यों व 4 मजदूरों समेत 50 से भी ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका है। वहीं 3 लोगों की मौत हो गई है। सच्चाई तो यह है कि दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में जगह जगह अवैध रूप से फ्लैट बनाए जा रहे हैं। इसके बावजूद प्राधिकरण ने इनका निर्माण बंद कराने की दिशा में कभी भी प्रभावी कदम नहीं उठाया। यही कारण है कि अधिकारियों की लापरवाही का लाभ उठाते हुए ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख, इटैंडा, साहबेरी व खेड़ा चौगानपुर में बड़ी संख्या में अवैध रूप से फ्लैटों का निर्माण हो चुका है। इनमें बड़ी संख्या में ज़्यादातर नौकरी पेशा लोग रहते हैं। बिल्डर प्रोजेक्टों में फ्लैट महंगे होने के कारण कई लोग इन्हें खरीद नहीं पाते हैं, इसलिए वो अवैध रूप से बनाए जा रहे इन फ्लैटों को सस्ते में खरीद लेते हैं।